हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। चूज द वर्क स्पेस, यानी ये विंडो जो हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि ये जो विंडोज हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इनके अतिरिक्त आपको प्रीमियर प्रो कुछ वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली बना के देता है कि यदि आप उस वर्क स्पेस में काम करना चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने कार्य के अनुसार आपका वर्क स्पेस को उसने सेट करके दिया है। उसके लिए हमें विंडो में जब जाते हैं, विंडो मेनू में जाएंगे तो यहाँ वर्क स्पेस, पहला जो ऑप्शन है वर्क स्पेस का है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये 9 ऑप्शन तो ये हैं और एक टाइटल 10 है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपको जो काम करना हो उसी हिसाब से आप अपने इस वर्क स्पेस को चूज कर सकते हो, जिसमें बाय डिफॉल्ट अलग अलग ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें जो इसमें 2 पैनल्स हैं, टाइटल और ऑल पैनल्स। ये जब प्रीमियर प्रो सीसी 2015 में लॉन्च किया गया था उस समय ही इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले ये 2 पैनल्स नहीं थे। तो इसको हम सबसे पहले, आप चाहिए तो सबका शॉर्टकट अलग अलग है। यहाँ पर अल्टर शिफ्ट 1, अल्टर शिफ्ट 2, इनके शॉर्टकट भी यहाँ दिए गए हैं, इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑल पैनल पे जाते हैं, सबसे पहले ऑल पैनल पे क्लिक करेंगे। तो ऑल पैनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी पैनल्स हैं आपके पास इस सॉफ्टवेयर में, उस सारे पैनल्स आपको यहाँ पर ओपन मिल जाएंगे। कोई लेफ्ट में ओपन होगा, कोई राइट में ओपन होगा, ये ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करके देते हैं प्रीमियर प्रो की कंपनी। सारे पैनल्स आ जाएंगे, आप अपनी आवश्यकता अनुसार जिसको चाहें उसको यूटिलाइज करें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब जाते हैं नीचे की ओर, जाते हैं असेंबली वाले पे, तो असेंबली वाले का मतलब ये होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपको कम से कम किस पैनल की ज़्यादा बड़ा होने की आवश्यकता होती है, किसको कम होने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए इसने अपना अलग काम करने का वर्क फ्लो या वर्क स्पेस ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया है। आप ऐसा नहीं कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये वर्क स्पेस यहाँ पर ने सेट करके दिया है असेंबली के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मेनू पर भी एक दे दिया गया है। अब आप चाहें तो यहीं पे क्लिक करके, जैसे एडिटिंग क्लिक करेंगे तो ये वर्क फ्लो एडिटिंग का है। एडिटिंग जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर के मेनू बाय द वे हट जाते हैं। फिर से यदि आपको यहाँ मेनू नहीं मिलते हैं वर्क स्पेस के लिए तो आप यहाँ पर ऑडियो पे जाएंगे। ऑडियो पे जाएंगे तो ऑडियो में किस प्रकार कार्य करना होता है उसके लिए वर्क स्पेस अलग से दिया गया है ऑडियो के काम करने के लिए। यदि आप यहाँ कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो कलर करेक्शन के लिए अलग से पूरा विंडो दिया गया है, तो कलर के लिए अलग से पूरा पैरामीटर्स या उसका पैनल अलग से राइट साइड में एडजस्ट करके दिया गया है, जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। इस प्रकार हर काम करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके, यदि आपको एडिटिंग करनी है तो उस समय अलग पैनल होंगे, इफेक्ट करेंगे यूज़ करेंगे तो इफेक्ट के भी काम करते समय अलग पैनल की आवश्यकता होती है, तो ये इफेक्ट आपका एक्टिव होता है। तो इस प्रकार से आपके पास इन वर्क स्पेस पे काम करने के लिए, अलग अलग वर्क स्पेस काम करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। टाइटल पे काम करना चाहते हैं तो टाइटल के लिए ये ऑलरेडी ओपन करके आपको दे दिया जाता है, और टाइटल यहाँ पर भी आपको ऑप्शन ये है। तो टाइटल पे काम करेंगे तो यहाँ पर टाइटल की स्टाइल्स वगैरह आपके सामने यहाँ पर दे दिया जाता है, टाइटल स्टाइल्स वगैरह ऑलरेडी ओपन करके दे जाता है। हो सकता है कुछ कार्य जो है ना यहाँ पर, क्योंकि हर समय अलग अलग कार्य करने के लिए आपको अलग अलग पैनल की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रीमियर प्रो ने आपके लिए अलग अलग वर्क स्पेस सेट करके दिया है कि आप जब जैसा काम करना चाहें वैसा वर्क स्पेस को आप सेट कर पाएँ और आपको ज़्यादा एडजस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए अलग अलग पैनल्स को इनने यहाँ पर दिया हुआ है। हर काम के लिए अलग अलग पैनल्स को एडजस्ट करके और आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड किया है। आप कभी भी चाहें तो कभी भी अपनी आवश्यकता अनुसार इनको चूज कर सकते हैं, या मॉडिफाई करने की तो पावर आपके पास ही है। आप कभी भी किसी भी विंडो को या किसी भी पैनल को आप किसी भी विंडो के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।